हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज के इस वीडियो के माध्यम से टेक्नीशियन ग्रेड 3 कैरिज एंड वैगन का जॉब प्रोफाइल रेलवे में कैसा होता है, इसके रिगार्डिंग डिटेल आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे। काफ़ी लोग क्वेरी कर रहे थे, तो टेक्नीशियन ग्रेड 3 कैरिज एंड वैगन में जो है किस एक्चुअली जो है डिपार्टमेंट वगैरह से जो है आपका कोर्स ITI का किए हैं, तो आप एलिजिबल होंगे। सबसे पहले वो आपको बता देते हैं, या तो आप अप्रेंटिसशिप जो है किए होंगे, जैसे फिटर से कारपेंटर, इसके अलावा वेल्डर, इसके बाद प्लम्बर और पाइप फिटर, ये तो एक ITI का कोर्स आप किए हैं। या दूसरा अप्रेंटिस अगर आप किए हैं एक्चुअली जो आपको बताया फिटर कारपेंटर वेल्डर प्लम्बर और पाइप फिटर से, तो आप एलिजिबल होंगे। और दूसरा जब आपका सिलेक्शन वगैरह हो जाएगा, तो इसमें क्या होता है जो कैरिज एंड वैगन का जो SSC का इंचार्ज जो होता है, जो बड़े बड़े जो रेलवे स्टेशन वगैरह जो होता है जंक्शन टाइप, जहाँ पे ट्रेन का ओरिजिन और डेस्टिनेशन होता है, वहाँ पे क्या है एक्चुअली पिट लाइन रहता है। पिट लाइन जब होता है जहाँ पे गाड़ी को चेक किया जाता है, जैसे जो व्हील एक्सल वगैरह जो होता है, इसके अलावा कोचेज वगैरह जो रहता है उसका कंप्लीट जो है एक्चुअली चेकिंग किया जाता है। चेकिंग होने के बाद जो है आपके जो कंसर्न JEE और SSC CNW के जो होते हैं, वो जो है आप फिर से कंसर्न ट्रेन को जो है BPC जारी करता है ब्रेक पावर सर्टिफिकेट। तो वो जो है पिट लाइन में जो गाड़ी जाती है, तो वहाँ पे जो चेकिंग होता है वो टेक्नीशियन का कार्य रहता है। उसको भी सुपरवाइज करने के लिए आपके JEE CNW और SSC CNW रहेंगे, वो जैसे आपको बोलेंगे उस हिसाब से चेक करना रहता है, जैसे प्रेशर वगैरह चेक करना रहता है। इसके अलावा कोचेज वगैरह में कुछ अगर मेंटेनेंस से संबंधित कार्य है, कहीं पर पाइप टूट गया है तो पाइप को आपको लगाना है। इसके अलावा जैसे व्हील वगैरह भी चेक किया जाता है। तो जो भी कार्य है वो आपको बताया जाएगा। ऐसा नहीं कि वर्कलोड वगैरह बहुत ज़्यादा रहता है, वर्कलोड ठीक ठाक है और शिफ्ट में जनरली ड्यूटी आपको होगा CNW। तो जॉब अच्छा है, लाइफ स्टाइल वगैरह भी बढ़िया रहेगा, क्योंकि अच्छे रेलवे स्टेशन वगैरह भी पोस्टिंग होगा। तो अगर आपका सिलेक्शन होता है तो जरूर आप ज्वाइन करें। आशा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से टेक्नीशियन ग्रेड 3 एक्चुअली जो है CNW का जॉब प्रोफाइल क्या होता है, इसके रिगार्डिंग डिटेल आज के इस वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।